प्रयागराज के लूकरगंज में बना एक दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कमेटी ने पंडाल में ही आइसोलेशन वार्ड बनाया है। अगर कोई भक्त लक्षण युक्त पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इस आइसोलेशन वार्ड में 2 बेड लगाए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ पूरे पंडाल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अष्टमी और नवमी के दिन भक्तों की भीड़ एक जगह एकत्र ना हो सके। साथ ही पंडाल में कई जगह कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। देवी के दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्तों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। कोरोना काल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुर्गा पूजा पंडाल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया हो। हालांकि अभी पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुर्गा माँ की प्रतिमा को देखने के लिए आ रहे लोगों का कहना है कि पूरे प्रयागराज में ऐसा पंडाल है जिसमें इतनी सुविधा देखने को मिल रही है। व्यवस्था तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। अब स्टार्टिंग में आई हूँ मैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी देखने की बात ये है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कोरोना के टाइम पे। और जहाँ अभी तक मैं जहाँ भी गई हूँ ये बेस्ट लोकेशन पड़ी मेरे को, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड रखा गया। आइसोलेशन वार्ड के साथ यहाँ पे 2 बेड्स भी रखे गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो कोरोना का चल रहा है उसके साथ तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही तो मैं यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ, बट यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन देख कर बहुत अच्छा लगा। जगह जगह चिपकाए भी गए हैं। हाँ, बोर्ड वगैरह भी चिपकाया गया है, करा गया सब कुछ, लेकिन जो भी है व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई है। आइसोलेशन बेड कहीं और जगह देखा कि यहीं पर देखा? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल यहीं पर देखा, बाकी जगह अभी कहीं और नहीं देखा मैंने। गौरतलब है कि सरकार ने कोविड गाइडलाइंस को जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी पंडाल बनेंगे वहां कोरोना के प्रति आयोजकों को सजग रहना पड़ेगा। लूकरगंज के पंडाल में खास बात यह है केवल 10 भक्तों को ही एक बार में माँ के दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद उनको दूसरे रास्ते से बाहर निकाला जाएगा।